नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। राजस्थान की गहलोत सरकार पर संकट गहराता जा रहा है। कांग्रेस विधायक दल की बैठक में सचिन पायलट और उनके समर्थक विधायक नहीं पहुंचे। पार्टी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें डिप्टी सीएम पद से हटा दिया है। उन्हें कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पद से भी हटा दिया गया है। साथ ही उनके समर्थक मंत्रियों को भी मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया गया है। गोविंद सिंह डोटासरा को राजस्थान कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया है। कांग्रेस विधायक दल की बैठक के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सीधे राजभवन पहुंचे और राज्यपाल से मुलाकात की। वहीं कांग्रेस विधायक दल की बैठक के बाद कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने पार्टी के फैसले का ऐलान करते हुए कहा कि बीजेपी ने साजिश के तहत चुनी गई कांग्रेस सरकार को गिराने की कोशिश की। श्री सचिन पायलट जी को, श्री विश्वेंद्र सिंह जी को और मीना जी को और श्री रमेश मीना जी को उप मुख्यमंत्री और मंत्री पद के भार से फौरी तौर से मुक्त किया जाता है। दूसरा, हमारे बहुत तजर्बेकार और काबिल साथी जिन्होंने किसान के घर में जन्म लिया, जो ओबीसी से संबंधित हैं, जिन्होंने अपनी जमीन भी जोती और कांग्रेस की जमीन भी जोती, जो एक कार्यकर्ता के तौर पर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के तौर से उठकर आए और आज राजस्थान की शिक्षा मंत्री के तौर पर सेवा कर रहे हैं, गोविंद सिंह दोतासरा जी को राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी का नया अध्यक्ष बनाया जाता है। प्रदेश के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा को अब पीसीसी के नए अध्यक्ष के तौर पर चुना जा रहा है। आपको बता दें, डोटासरा का राजनीतिक जीवन 1981 का है, जब उन्होंने कांग्रेस के सदस्य के रूप में अपने इस करियर की शुरुआत की। डोटासरा मूल रूप से सीकर के रहने वाले हैं। साथ ही उन्होंने सबसे पहले लक्ष्मणगढ़ सीकर सीट से 2008 में चुनाव जीता था। इसके बाद उन्हें राजस्थान सरकार से पहले देवस्थान और अभी शिक्षा मंत्री का जिम्मा सौंपा गया है। डोटासरा ने 20 साल तक सीकर में वकालत भी की है। इनके पिता सरकारी शिक्षक थे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।